देश भर में जल स्रोतों और नदियों की साफ सफाई को लेकर जन जागरूकता बढ़ी है और कई संगठन भी इसमें सहयोग कर रहे हैं। इस सिलसिले में स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन द्वारा पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत स्वर्ण रेखा और खरकाई नदी के संगम स्थल दो मुहानी में स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वच्छता पुकारे फाउंडेशन के पदाधिकारी गौरव आनंद ने बताया कि उनकी संस्था पिछले कुछ वर्षों से नदियों की साफ सफाई की मुहिम से जुड़ी है। उन्होंने बताया कि 5 लोगों से शुरू हुई इस संस्था से आज 10,000 से ज्यादा लोग जुड़े हैं तथा वे खुद साल 2018 में बछेंद्री पाल के नेतृत्व में आयोजित गंगा यात्रा का भी हिस्सा थे। सोचेंगे तो आने वाला टाइम में जो वो जमशेद जी नसरवान जी टाटा का जो सपना था वो कितना दिन तक चल पाएगा, तो उसी उन्हीं के सपने को साकार करने के लिए हम लोग फिर से पानी में उतरे और अभी हम लोग का हर एक हफ्ता हम लोग यहाँ पे रहेंगे। अगले हफ्ता हम लोग आपको स्वर्णरेखा घाट गांधी घाट पे मिलेंगे। थे अभी हम लोग 10,000 से ज़्यादा लोग हैं लेकिन घाट पे आप देखेंगे सब अलग अलग जागरूकता अभियान में ये सब में जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि नदी में पनपने वाले जलकुंभी से वे लोग डायरी, शोपीस, लैम्पसेट और अब साड़ी का भी निर्माण कर रहे हैं। इस बार 1,000 साड़ी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जलकुंभी इसी से बना हुआ प्रोडक्ट का हम लोग का शोरूम भी है जिसमें कि हम लोग डायरी बना रहे हैं, इससे मतलब कि शोपीस बना रहे हैं, लैम्पसेट बना रहे हैं और इस साल इससे हम लोग साड़ी भी बना रहे हैं। जल स्रोतों और नदियों का साफ सुथरा रहना पर्यावरण संतुलन के लिए लाजमी है, जिस ओर लोगों को और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है ताकि नदियां स्वच्छ और निर्मल रह सकें। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट।